जय हिंद दोस्तों, मैं अनुज प्रताप सिंह और मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एनसीसी ए सर्टिफिकेट या बी सर्टिफिकेट या सी सर्टिफिकेट होल्डर जो हैं उन्हें क्या बोनस मार्क्स मिलते हैं इंडियन आर्मी रिटन टेस्ट कॉमन एंट्रेंस एग्जाम सी में। हम बात करते हैं सोल्जर क्लर्क एसकेटी या सोल्जर रहने की या फिर सोल्जर डी सोल्जर ट्रेड्समैन, अलग अलग बोनस मार्क्स मिलते हैं दोनों ही एग्जाम में जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया है। या स्पोर्ट्स पर्सन अगर आप हैं तो आपको किस किस लेवल के सर्टिफिकेट से कितने बोनस पॉइंट्स मिलते हैं दोनों कैटेगरी में। दोस्तों करते हैं स्टार्ट को वीडियो को। दोस्तों यहाँ मेडिकल कोर्स एंट्रेंस कॉलेज का लेटर का एक पार्ट है जिसमें बारीकी से दिया हुआ है कि आपको किस किस कितने कितने बोनस पॉइंट्स मिलते हैं किस कैटेगरी में। दोस्तों अगर आप एक्स सर्विसमैन या रिलेशन भर्ती हैं तो आप अगर अकेले या अपनी भर्ती देखिए, आपका स्पॉन्सर सर्टिफिकेट है, आप अपने फादर के अकेले लड़के हैं जो इंडियन आर्मी भर्ती में सेलेक्ट हो रहे हैं तो आपको सिर्फ 20 मार्क्स मिलेंगे। सोलह क्लर्क एसिटी सोलह रहने में सोलह जी डी ट्रेसमैन में सेम 20 मार्क्स मिलेंगे आपको। अगर आपका भाई बाद में भर्ती देखता है तो वो भर्ती देख सकता है रिलेशन की, बट उसे वो मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसीलिए स्पॉन्सर सर्टिफिकेट या एफिडेविट का चलन अभी चल रहा है भर्तियों में। दोस्तों दूसरे नंबर पे है स्पोर्ट्स रिप्रेजेंटेड इंडिया एट इंटरनेशनल लेवल। अगर आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया को रिप्रेजेंट किया है तो आपको सोलह क्लर्क एसकेटी एनए में 20 मार्क्स मिलते हैं सेम सोलह जीडी ट्रेड्समैन में। तीसरे पे है दोस्तों आपने रिप्रेजेंटेड स्टेट सीनियर जूनियर नेशनल लेवल एंड हैव वॉन एनी मेडल इन इंडिविजुअल इवेंट और हैव रीच्ड अप टू 8th पोजीशन इन टीम इवेंट। अगर आपने राज्य स्तर पर सीनियर जूनियर नेशनल लेवल पर इंडिविजुअल इवेंट में कोई मेडल जीता है फर्स्ट सेकंड थर्ड से या आप टीम इवेंट में 8th पोजीशन तक हैं तो आपको सोलह क्लर्क एसकेटी एनए में 15 मार्क्स मिलते हैं सोलह जी डी ट्रेड्समैन में सेम 15 मार्क्स मिलते हैं। अगर बात करते हैं तो स्पोर्ट्स रिप्रेजेंटेड कॉलेज यूनिवर्सिटी एंड इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप एंड हैव ए वॉन एनी मेडल इन इंडिविजुअल इवेंट और हैव रीच्ड अप टू 6th पोजीशन इन द टीम इवेंट। आपने कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पर रिप्रेजेंट किया है, आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड में से कोई मेडल है गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज में से, या आपने टीम इवेंट में 6th पोजीशन तक ट्रेंड किया है तो आपको सोल्जर क्लर्क एसकेटी एनए में 10 मार्क्स मिलते हैं सोल्जर जीडी सोल्जर ट्रेड्समैन में भी सेम 10 मार्क्स मिलते हैं आपको। बात करते हैं दोस्तों रिप्रेजेंटेटिव स्टेट एट नेशनल लेवल इन खेलो इंडिया गेम्स एंड हैव वॉन एनी मेडल इन इंडिविजुअल इवेंट और हैव रीच्ड अप टू 6th पोजीशन इन टीम इवेंट। आपने रिप्रेजेंट किया है राज्य स्तर पर नेशनल लेवल के गेम्स में या खेलो इंडिया गेम्स में, आपका इंडिविजुअल इवेंट में कोई मेडल है या फिर आप टीम इवेंट में 6th पोजीशन तक हैं तो आपको सोलह क्लर्क एसकेटी एनए में 10 मार्क्स मिलते हैं सेम सोलह सोलह ट्रेड्समैन में 10 मार्क्स मिलते हैं। स्पोर्ट रिप्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट एट द स्टेट लेवल एंड हैव वॉन एनी मेडल इन इंडिविजुअल इवेंट और हैव रीच्ड अप टू 4th पोजीशन इन द टीम इवेंट। आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रिप्रेजेंट किया है स्टेट लेवल के गेम में, आपका कोई मेडल है तीनों पोजिशन में थे या फिर आपने टीम इवेंट में 4th पोजीशन तक नंबर है आपका तो आपको मिलते हैं 5 मार्क्स दोनों कैटेगरी में सेम। अब बात करते हैं दोस्तों स्पोर्ट्स रिप्रेजेंटेटिव द स्टेट स्कूल टीम द इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय ऑल इंडिया स्कूल गेम्स फेडरेशन है वन इंडिविजुअल इंडिविजुअल इवेंट और अप टू 6th पोजीशन द टीम इवेंट। आपने स्कूल लेवल से स्टेट लेवल के गेम में रिप्रेजेंट किया है, आपका कोई मेडल है तीनों पोजिशन में थे या फिर आपने टीम इवेंट में 6th पोजीशन तक अगर आपका नंबर है तो आपको सेम 5 मार्क्स मिलते हैं दोनों ही कैटेगरी में। अब बात करते हैं दोस्तों अगर एनसीसी ए सर्टिफिकेट होल्डर को क्या कितने मार्क्स मिलते हैं तो दोस्तों सोलह क्लर्क एसकेटी एनए में आपको 5 मार्क्स मिलते हैं सोलह जीडी ट्रेड्समैन में भी आपको 5 मार्क्स मिलते हैं। वही सेम एनसीसी बी सर्टिफिकेट होल्डर की अगर हम बात करें दोस्तों आपको मिलते हैं 10 नंबर दोनों ही कैटेगरी में। एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर के लिए 15 मार्क्स हैं दोस्तों सोल्जर क्लर्क एसकेटी सोल्जर एनए में। बात करें दोस्तों सोल्जर डीडी ट्रेबल ट्रेड्समैन की तो उनके लिए सी वालों के लिए एग्जाम बिल्कुल एग्जेम्प्टेड है, उन्हें एग्जाम नहीं देना है। दोस्तों एक और कैटेगरीज में रखी गई है एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर एंड पार्टिसिपेटेड इन रिपब्लिक डे परेड। अगर आपने आरडीसी परेड में पार्टिसिपेट किया है जिनका कैंप हेल्ड होता है दिल्ली में तो आपको एग्जेम्प्टेड है कॉमन एंट्रेंस एग्जाम दोनों ही कैटेगरी में सोल्जर क्लर्क एसकेटी सोल्जर एनए सोल्जर जीडी सोल्जर ट्रेड्समैन सभी कैटेगरी में आपका एग्जाम एग्जेम्प्टेड है। दोस्तों सोल्जर फार्मा में कोई एग्जाम आपका एग्जेम्प्टेड नहीं है, सोल्जर फार्मा एक अलग कैटेगरी रखी गई है आर्मी मेडिकल कोर्स से, हालांकि इसका उसका जिक्र इसमें नहीं किया है।
दोस्तों सबसे लास्ट लेवल पे है कैंडिडेट हैविंग ओ प्लस लेवल कंप्यूटर सर्टिफिकेट इश्यूड बाय डॉएक सोसाइटी। आपको 15 मार्क्स मिलते हैं फॉर सोल्जर क्लर्क एसकेटी ओनली। सोल्जर जीडी या सोल्जर ट्रेड्समैन आपको इसके कोई मार्क्स नहीं मिलते हैं दोस्तों। आपने डॉएक से अगर ओ लेवल का ओ प्लस लेवल का सर्टिफिकेट है आपके पास तो आपको सोल्जर क्लर्क एसकेटी में एनए में आपको नहीं मिलेंगे इसके मार्क्स। सोल्जर क्लर्क एसकेटी में आपको इसका फायदा होगा ओनली फॉर 15 मार्क्स। दोस्तों सोल्जर जी डी सोल्जर ट्रेड्समैन आपके फिजिकल के मार्क्स भी जुड़ते हैं तो आपकी मेरिट फिजिकल और रिटेन दोनों को मिलाकर ली जाती है। सोल्जर क्लर्क एसकेटी सोल्जर रहने की ऑल इंडिया मेरिट लगती है दोस्तों, उसमें आपके ये रिटेन के बोनस मार्क हैं ये आपको मिल जाएंगे, बाकी फिजिकल का मार्क्स आपके काउंट नहीं होंगे। फिजिकल आपको सिर्फ पास करना होता है। दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। अगर आपको किसी और टॉपिक पे बात करनी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आई रियली नीड योर सपोर्ट। चैनल को थोड़ी रीच की ज़रूरत है सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करें और वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएं बहुत सारे लोगों तक जो NCC स्पोर्ट्स में कहीं अच्छा कर रहे हों, उन्हें थोड़ी अवेयरनेस मिले इस वीडियो से। तो बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, जय हिंद।